Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat from Triple IT CCD. Okay, तो आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर 8 जो कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है उसको आज रीड करेंगे. उसमें किस किस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, उसके नोमेनक्लेचर्स, आपस में क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, सभी रिएक्शंस के नाम इत्यादि आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो जैसे कि इसमें इसका नाम है, इसमें तीन तरह के एली मतलब कार्बोक्सिलिक तीन तरह के कार्बोहाइड्रेशन आते हैं. जैसे कि एक हो मतलब एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन्स, एक है कार्बो. तो इन तीन चीजों को आज हम इस चैप्टर में ट्रीट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ कुछ. जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है सबके IUPAC नाम को अच्छे से मतलब इनको लिखना, अगर दिया है तो उनका नाम रीड कर लेना कैसा इनका नाम होगा, अगर नाम दिया है तो स्ट्रक्चर बना लेना. तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है अपना. तो इसमें इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं कि किस क्या तरह के क्या स्ट्रक्चर होता है. तो एक मतलब एल्डिहाइड का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है RCHO, ये होता है एल्डिहाइड का. और डबल बॉन्ड ओ, ये होता है कीटोन्स का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इस ओके एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH. ओके, और आते हैं इसके बाद एरल एल्डिहाइड. ओके, तो जिसमें एच की जगह पर क्या होता है ना, एरल हैलाइड, सॉरी एरल हैलाइड. तो इसमें मतलब ये एकदम एल्डिहाइड जैसा होता है, बस इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर हेलोजन्स लगे होते हैं. हेलोजन्स क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार एलिमेंट्स यहाँ पर लगे होंगे. तो इनको अराइल असाइल एल्डिहाइड बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे, असाइल हैलाइड. ओके, ये बोलते हैं फिर अमाइड. अमाइड में क्या है, ये भी एल्डिहाइड जैसे ही होते हैं, बस हाइड्रोजन हटके NH3 लग जाता है, मतलब जो भी इसके ग्रुप होता है ना NH2, सॉरी NH2 लग जाता है. अमोनिया ग्रुप्स होते हैं वह बहुत सारे, जैसे कि इसमें ऐसा जोड़ दिया जाए NRR, ये भी जुड़ सकता है NRH, ये भी जुड़ सकता है. तो अलग अलग प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग चीजें जुड़ जाती हैं. लेकिन हाँ, नाइट्रोजन का ग्रुप होगा ये जरूरी है उधर, तभी वो अमाइड बोला जाएगा. और उसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH की जगह पर मतलब जो होता है ना, यहाँ पर जो OH होने वाला था वो H की जगह पर यहाँ पे जैसे R लगा दिया जाए, OR, तो ये ईस्टर हो जाता है. ओके, और उसके बाद अगर यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दिया जाए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दिया जाए तो ये एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो ओ एच था ना, ओ एच ओ एच यहाँ पर मतलब रिएक्शन करके ये एच के दो अणु यहाँ पे निकल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है दो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए. और ये कुछ बेंजीन वाले एटम मॉलिक्यूल्स हैं जो ओ एच और सारी चीजों से बने हुए हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं. ओके, फैलाइल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक, और क्या है, सिनामेल एल्डिहाइड के हैं. बेंजीन तो आपको पता ही होगा, एक के बाद एक छोड़ के कार्बन डाई कार्बन पर अगर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे एक रिंग में तो ये बेंजीन बन जाता है, तो ये सिनेमा एल्डिहाइड बन जाएगा. अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे. सबसे पहली जो बेसिक चीज होती है ना किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो होती है इसका नोमेनक्लेचर. जब तक नोमेनक्लेचर नहीं आएगा ना तब तक हम एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओके, तो पहले नोमेनक्लेचर आएगा, नोमेनक्लेचर. ओके, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे. तो एल्डिहाइड कीटोन्स में सबसे पहले कुछ कॉमन नेम्स होते हैं कुछ कुछ. तो पहला आता है CH3CHO, ये सबसे बेसिक वाला है, इससे पहले कोई इससे छोटा कोई और एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता. तो ये होगा एसिटाल्डिहाइड, ये अब मैथ मैथ एल्डिहाइड होता ही नहीं,
अगर आप सोचो कि ऐसा बन जाए CHO, ये बनता तो है बट बहुत कम स्टेबल नहीं होता ये, ओके इसलिए इसका यूज बहुत कम होता है। कभी कभी कुछ रिएक्शंस में इसका यूज कर लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड का यूज, मतलब ये एसिटाल्डिहाइड एकदम स्टेबल है था, ये एसिटाल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग पे CHO लगा दिया जाएगा, ओके। तो और एक ये है, जैसे कि कंपाउंड दिया गया है, जहां तक मैं आपको अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो अल्फा बीटा गामा कार्बन्स हैं, ये आपको सबको पता होगा नोमेनक्लेचर क्लास 11th में ये बता दिया जाता है। तो ये अल्फा सब मतलब जो अपना ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप जो लगा होता है, उससे सबसे पास वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, इसके बाद वाला बीटा कार्बन, इसके बाद वाला गामा कार्बन। तो सबसे पहला वाला कार्बन ये है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन पर Br लगा हुआ है, ब्रोमीन। तो हम इसका नाम ऐसा देखेंगे कि बीटा ब्रोमो, अगर डायरेक्ट ब्रोमो लिख सकते ना तो ब्रोमो डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमें ब्रोमीन का मतलब ब्रोमीन का वो प्लेस नहीं पता था। अगर फिर इसको IUPAC में लिखना पड़ता, ये तो कॉमन नेम है, इसको अगर IUPAC में लिखते तो बीटा की जरूरत नहीं होती, इसमें IUPAC में लिखने पर ऐसा हो जाता, ऐसा 1 1 2 3 4, या फिर वहां यहाँ से करते, ओके तो ये 1 2 3, ओके तो इस तरह से लिख सकते थे 1 2 3 4, ओके तो वहां पर लिख सकते थे ये 2 2 ब्रोमो या फिर 3 ब्रोमो, ओके तो इस तरह से लिख सकते थे। तो अभी अभी ये क्या है, बीटा ब्रोमो ब्यूटल एल्डिहाइड, क्योंकि तो चार कार्बन है ना इसमें, तो ब्यूटल ब्यूटल एल्डिहाइड, तो ये इसका नाम हो गया। अब इसी तरह से एक कुछ कीटोन्स के नाम है, अब कीटोन्स में सबसे पहला बेसिक कीटोन होता है CH3COOH, COOCH3, तो ये होता है सबसे बेसिक एसीटोन। अब एसीटोन का आपको थोड़ा सा यूज पता होगा, अगर आप लड़की हैं तो, व्यूअर आप लड़की हैं तो ये नेल पॉलिश रिमूवर के लिए यूज होता है, ओके। इसके बाद ये है एसीटोफिनोन। तो अब इसमें इनके नाम जो है ना, एक तो ये एसीटोन हो गया, क्योंकि इसमें दो कार्बन लगे हुए हैं एसीटोन, और एक को इसमें गिना नहीं जाता, तो ये एक बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है COO, और इधर से एक और R लगा हुआ है CH3। तो इसमें इसका नाम बोला जाएगा एसीटो, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप है ये है एसीटो, ये एसीटो है, ओके एसीटो फिनोन। अब इसको बेंजीन है ना, तो इसको मतलब फिनाइल भी बोल सकते हैं, ओके तो फिनाइल फिनोन हो सकता है, ओके। उसके बाद ये आया प्रोपियो प्रोपियो फिनोन, मतलब इसमें अगले वाले में क्या हुआ, तो तीन कार्बन लग गए प्रोप, ओके। अब इसमें आ गया बेंजीन, एक एक जगह बेंजीन हो गया, बेंजीनो फिनोन, ओके। तो ये वाला ग्रुप जो है पूरा, तो बेंजीनो हो गया, बेंजीनो फिनोन, एक इधर वाला लगा इसमें। अब IUPAC नेम ऑफ क्या है, तो इनके अब IUPAC नेम है, अब ये तो होगा कॉमन नेम, कॉमन नेम से मैं कुछ भी चल जाता है, ये जो बीटा था ना तो बीटा बीटा इसमें नहीं चलता। अब इसमें क्या है ना, हमको अच्छे से इसका नेमिंग करना पड़ता है बाई नंबरिंग इट एवरी कार्बन, ओके। तो सबसे पहले आया ये एथिनल, एथ मेथ प्रोपी, तो ये सब आपको पता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये सबसे बेसिक वाला एथिनल, ओके। तो एथिनल में अब क्या हुआ, इसको ऐसे बोलेंगे कि एथिनल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर वन कार्बन दे दें तो वन एथिनल, मतलब वन एथेनॉन एथिनल, सॉरी वन एथिनल, वन एथिनल की जरूरत नहीं, क्योंकि वन पे तो क्या लिखते, ऑब्वियस सी बात है ये तो बन रही है, ओके। अगला वाला आता है, अब अगले वाले में है ये है CH3, ये CH2, CH2, CH, इधर Br, इधर CH, इधर CH3, इधर CH2, ये COO। अब सबसे मेन बात है, इसकी नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, इधर से या इधर से, तो बताया गया है मतलब IUPAC के मतलब नियमों के आधार पर, कि जहां पर
जो सा जिधर से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो या फिर जिधर पर एक ब्रांचिंग लगी हो पहले, उधर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं उधर से। तो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, यहाँ पे 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल, 3 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, और कितने हैं टोटल, 7, तो है 10। इसके बाद ये है ये वाला कंपाउंड, तो इसको बना लेते हैं। ओके, तो इसमें अब किधर से स्टार्ट करेंगे, इसमें अब फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे इसका नंबरिंग। ओके, तो यहाँ पे 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब आपको ये लग रहा होगा कि इधर से स्टार्ट करने का, यहाँ से 1 2 ये 3, यहाँ पे 4, क्योंकि इधर साइड में ये जो ब्रांचिंग है CH3 की वो पहले आ रही है, जिस साइड में पहले आती है उधर से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें अब क्या करेंगे, तो ये 3 मिथाइल लगा हुआ है सबसे पहले, 3 मिथाइल, 3 कार्बन तो मिथाइल लगा है, और फिर अब साइक्लिक है ये, तो इसका नाम साइक्लो, साइक्लो, और कितने हैं टोटल, 10, मतलब 5 है ना, पेंटेन। ओके, तो ये हो गया अपना पेंटेन। अभी ये आ जाता है, तो इसका नाम, इसमें क्या है ना, कोई ब्रांचिंग ही नहीं है, तो ब्रांचिंग नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह, हाँ एक चीज इसमें और बता देता हूँ, जैसे ये जो कार्बन, मैं इसको जूम कर रहा हूँ इधर, तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन किस तरह होगा, इधर कुछ कार्बन लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर डबल लगा हुआ है, तो ये कीटोन की तरह कार्य कर रहा है। ओके, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक खाली नहीं है, तो इसको हम एल्डिहाइड नहीं मान सकते। ओके, कभी कभी किसी किसी को भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच जाए तो इसको एल्डिहाइड क्यों नहीं बोला जाए, तो इसको सबसे पहले इसका नाम देखते हैं आप। अब क्योंकि इसमें कोई सा भी मतलब ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका नाम सीधा साइक्लो से स्टार्ट होगा, साइक्लो। ओके, उसके बाद कितने कार्बन है, कार्बन 6 है, तो हेक्सेन, हेक्सेन। ओके, उसके बाद इसको अगर हम कार्बल्डिहाइड बोले तो ज्यादा सही है, कार्बल्डिहाइड, या फिर इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लो हेक्सेल्डिहाइड, तो ऐसा भी इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब अगला है ये, अगले में इसको किस तरह लिखेंगे देखते हैं, सब तो देखते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो इसमें अब डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस देखी जाएगी, तो यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे अपन अपनी नंबरिंग। देखो सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी देखी जाती है, डबल बॉन्ड की, या फिर कहीं पे हैलाइड लगा हुआ है तो उसकी देखते हैं, या फिर कहीं ब्रांचिंग है तो उसकी देखते हैं। ओके, तो अगर दोनों है तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस देख लेते हैं। ओके, तो प्रेफरेंस का ये क्राइटेरिया है ना, वो IUPAC आपको चैप्टर में मिलेगा। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप एक बार जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है ना, उसको एक बार अच्छे से पढ़ के वापस आइएगा, तो इसको अच्छे से आप कवर कर सकते हो, या फिर इसको अच्छे से पढ़ सकते हो उसके बाद। ओके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, और अगर आपको समझ आ रहा तो वेल एंड गुड। ओके, तो इसमें क्या है ना, ये सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ओके, तो हम इसका क्या करेंगे, तो पेंट, सबसे पहले 5 है ना इसमें कार्बन, तो पेंट, और कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2, सेकंड कार्बन पर 2, इनल, इनल क्यों, तो इन इन मतलब डबल बॉन्ड। ओके, इन ये डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहा है, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता आयनल, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता तो कुछ नाम नहीं होता, मतलब पेंट क्या बोलते हैं, पेंटेनल होता बस। ओके, तो अगला एक बेंजीन की रिंग, उसके बाद ये कार्बन, डबल बॉन्ड हो, CH3, CH3। ओके, तो इसका कॉमन नेम क्या होता, अगर कॉमन नेम होता तो कॉमन नेम होता इसका प्रोपेन, प्रोपेनोफिलोल। ओके, जैसा कि इधर दिया गया है ना, तो प्रोपेनोफिनोन। ओके, ये कॉमन नेम होता है इसका, लेकिन यहाँ पर कॉमन नेम नहीं है, यहाँ पर IUPAC लिखना लिखना है, तो IUPAC नेम के आधार पर इसको लिखेंगे हम। ओके, तो IUPAC के नाम के आधार पर लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले कार्बन यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी नंबरिंग, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो फर्स्ट चेन, फर्स्ट नंबर पे क्या है, कार्बन है ना, मतलब फर्स्ट नंबर पे डायरेक्ट फिनोन लगा हुआ है, तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, प्रॉप 1 आयन, प्रॉप 1 ऑन,
प्रॉप एंड नॉन भी लिख सकते हैं, वन ऑन की जरूरत नहीं, प्रॉप प्रॉप एंड नॉन में, ओके वन फ्लाइन प्रॉप एंड ऑन, ओके या फिर तो वन नाइल वन ऑन ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, इसमें कुछ दो राय नहीं है। ओके तो अब देखते हैं अगला वाला, ये कोई शायद ओके ये ईस्टर लग रहा है, तो ये है CH3 CH2 3 डबल बॉन्ड ओ CH2 डबल बॉन्ड ओ, तो ये क्या है, ये है अपना एल्डिहाइड और ये क्या है अपना, ये है अपना कीटोन। तो आपको पता होगा कि जहां पर भी कीटोन और एल्डिहाइड एक साथ हों या फिर इस तरह से जुड़े हों बीच में एक कार्बन, ओके या फिर ज्यादा कार्बन, तो इनको क्या होता है, ये होते हैं, देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, इधर गया ये रहा, देखो इधर नहीं है तो इन छड़ियों इसका वो होता, तो देखो इसमें सबसे पहले देखेंगे ये कार्बनिंग मतलब कार्बन का जो नंबरिंग है यहाँ से स्टार्ट होगा 3 4 5। अब इनमें क्या है ना, एक IUPAC की और मतलब प्रेफरेंस टेबल होती है जहां पर जो ग्रुप्स होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप, और किसको मेन ग्रुप रखना है उसका मतलब नाम होता है, मतलब पहले किसका नाम रखना है, अगर यहाँ पर कार्बन दो तीन और ग्रुप होते तो जो मेन नाम होगा एनल अनाइल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके तो ये कौन डिसाइड करेगा, वो टेबल डिसाइड करती है कि सबसे पहले किसका नाम आएगा। ओके तो इसका नाम क्या है, तो ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ओके तो सबसे पहले तीन पर, यहाँ पर जो तीन है ना ये थर्ड कार्बन पे, तो थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है यानी कि कीटोन ग्रुप है, तो इसको उस टेबल के हिसाब से अगर आपने IUPAC पढ़ा होगा तो उसको अगर ये कीटोन ग्रुप बीच में लगा होता है और इससे ज्यादा प्रेफरेंस वाला ग्रुप है तो इसको ऑक्सो बोला जाता है, 3 ऑक्सो पेंटेनल पेंटेनल, ओके तो ये इसका नाम हो गया। अब इसको नया ना मतलब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो अब इसका नाम है, इसका नाम कैसे रखेंगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देख लेते हैं, तो कहीं भी स्टार्ट कर दो यहाँ से, जहाँ से शुरुआत करके 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है ना, 2.4 डाइमिथाइल 4, अच्छा, ओके तो यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या ना यहाँ से स्टार्ट किया इसकी, मतलब इधर से कर सकते हैं इधर से कर सकते हैं, तो सबसे पहले 2 पे 1 मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर 4 पे भी 1 मिथाइल लगा हुआ है, 2.4 डाइमिथाइल 2.4 डाइमिथाइल और पूरे 5 मतलब कार्बन से, तो पेंट 3 ऑन पेंट, और थर्ड वाले कार्बन पे ऑक्सीटोन है तो पेंट 3 ऑन, तो ये इसका नाम हो गया। अब ये अमाइड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अमाइड या तो सॉरी अमाइड नहीं, ये नाइट्रोन मतलब नाइट्रोबेंजीन है। ओके तो अब इसमें से नाइट्रोबेंजीन मतलब जो नाइट्रो का ग्रुप होता है ना इसकी प्रेफरेंस कम होती है CHO से, तो इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा CH होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, इसका नाम है 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड बोल सकते हैं, कार्बल्डिहाइड बोल सकते हैं, ओके दोनों नाम इसके प्रेफरेबल है। सॉरी गाइस, अब अगला वहां पर एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, ये CH2 लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, फिर से एक एल्डिहाइड लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसमें इसमें कैसे कर सकते हैं, तो हमको क्या ना एक तो सबसे लंबी चाहिए होगी, सबसे लंबी चेन चाहिए होगी, और उसमें अगर दो या दो से ज्यादा मतलब फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहे हैं तो ज्यादा ठीक है, तो इसमें हम क्या करें कि ये एक लंबी मतलब एक ये 1 2 3, तो ये तीन तीन की ये चेन बनाएंगे हम, और फर्स्ट पे लगाए सेकंड पे लगाए थ्री पे लगाए, तो हम क्या करेंगे इसको प्रोपेन 1 2 3, क्योंकि तो तीनों पे लगा हुआ है ना, तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 ट्राई कार्बोडिहाइड, ओके
इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। ओके अब आते हैं अपने, क्या ये टेबल दी गई है सम एल डी आर एंड कीटोन्स, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको आप रीड कर लीजिए। इसका मतलब बस रीड करने की जरूरत है, इसके कॉमन नेम्स दिए हैं और आईयूपीएसी नेम दिए। ओके आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे छोटा वाला, इसको मैथेनल भी बोलते हैं। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, ये सारे एल्डिहाइड्स हैं। ओके तो इनको थोड़ा सा नाम वाम दे देते हैं, तो मेटा, जो यहाँ पे मेटा है, ये पैथेल्डिहाइड है, सबसे कॉमन नेम ऐसा है पैथेल्डिहाइड। ओके तो बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिल्डिहाइड। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह से इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगे होते हैं, ये इनकी बात है। ओके तो जो सबसे पहले एक कीटोन या फिर इनकी बात कर लेते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा होता है ना, तो ये डबल बॉन्ड किस तरह से, पार्शियल चार्ज के रूप में है ये, एक प्लस चार्ज इसका होता है, माइनस चार्ज इसका होता है, पार्शियल चार्ज के रूप में इसमें रखा रहता है, तो इसे आपस में चेंज होते रहते हैं, ये रेजोनेंस की स्थिति में बने होता है। ओके तो एक कुछ क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो इसमें स्ट्रक्चर लिखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर शायद एक दो का मैं लिख देता हूँ, एक का। ओके 4-ऑक्सो पेंटेनल, तो इसमें देखा है, तो सबसे पेंट मतलब पांच इसमें कार्बन बनाने पड़ेंगे हमको, 1, 2, 3, 4, 5। ओके ये पांच कार्बन हो गए, पांच कार्बन पे, पांचवे कार्बन पे ये जो CHO लगा देंगे, और फोर क्या है, फोर फोर पे लगाया ना ऑक्सो, तो 1, 2, 3, 4, 4 पे ऑक्सो लगा देंगे, ये हो गया 4-ऑक्सो पेंटेनल। ओके तो ये हो गया ये सर। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनॉइल एल्डिहाइड। ओके तो अल्फा पे मतलब मेथॉक्सी लगा देंगे, थॉक्सी मतलब ये तो ऑक्सी है, मिथॉक्सी मतलब क्या होगा, ये एक ये इस तरह से होगा, मतलब ये दिया ना, तो ये इस तरह से होगा, ये होगा मिथॉक्सी। ओके तो अल्फा पे सबसे पहले मिथॉक्सी होगा, और कितना है प्रॉप है ना, प्रॉप। ओके तो ये प्रॉप तो है ही पहले से ही, तो यहाँ पर ये CHO कर देंगे, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। ओके तो ये इस तरह से ये मिथॉक्सी हो जाएगा, अल्फा मिथॉक्सी। तो ये ऐसे नाम है, इनके सारे नाम आप बना लीजिए एक बार, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो इनको बनाते कैसे हैं इसकी बात चलेगी अब, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इनको बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले एक मतलब एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन से, तो ऑक्सीडेशन से कैसे बनाते हैं, ऑक्सीडेशन से बनाने के लिए क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रेस्पेक्टिवली यूनिट 7 क्लास 12। तो यूनिट 7 में आपने जो एल्कोहल वाला चैप्टर है ना, उसमें आपने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हुए देखा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास अगर CH3OH, ये अगर हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा बड़ा ले लेते ताकि आसानी रहे, तो CH3CH2OH, तो ये एक एल्कोहल है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन करें, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पर है ना ये, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस तरह होगा, तो CH3 है, CH2 है और OH है, तो हाइड्रोजन हटेगा सबसे पहले, तो हाइड्रोजन हटके क्या होगा, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी H2 था ना, एक पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो चार्ज के कारण क्या हुआ, और जो हाइड्रोजन था वो हटके निकल गया, प्लस हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे निकल गया, तो अभी क्या है ना चार्ज आ गया है इन दोनों पर। अब चार्ज आने के बाद क्या हुआ कि अब चार्ज है ना, तो इन्होंने क्या किया है, अब ये एक इसको हाइड्रोजन की जरूरत थी, इसको मतलब एक एक दोनों की डेफिशिएंसी है, तो इन्होंने क्या किया है, एक डबल बॉन्ड बना लिया आपस में, तो डबल बॉन्ड बना लिया तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी ओके और H, और एक हाइड्रोजन और हट जाएगा यहाँ से,
एक और हाइड्रोजन हटके ये H2 निकल जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से ये बन जाता है। और अगर यहाँ पे CH3, CH2, CH3 ये OH लगा होता तो यहाँ पर ये हटके निकल जाता, ये डबल बॉन्ड बन जाता, एक यहाँ पर एक और हाइड्रोजन हटके H2 निकल जाता यहाँ से। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन होता। तो अगर आपको का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप कुछ इस तरह से टिप्स अपना सकते हैं। जैसे हर रिएक्शन को उसको मन में इमेजिनेशन करके उसको इमेजिन करें कि इस तरह से सारी प्रोसेस हो रही है, कौन सा बॉन्ड किस तरह टूट रहा है, कब टूट रहा है और कब जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है। तो अब सेकेंड प्रोसेस है इसकी, बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, तो डिहाइड्रोजनेशन भी आपने पढ़ लिया होगा, डिहाइड्रोजनेशन कैसे होता है। जो एजी और सीयू की कैटलिस्ट की उपस्थिति में इनका मतलब क्या बोलते हैं, एल्कोहल वेपर एंड पास वेरी हैवी मेटल कैटलिस्ट। तो क्या करते हैं ना कभी कभी, एल्कोहल वेपर पास की जाती है हैवी मेटल कैटलिस्ट के बीच में से, तो ये प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स में टूट जाते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के लिए क्या करना होता है, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन्स। तो एक ओजोनोलिसिस नाम की एक प्रक्रिया होती है जिसमें ओजोन से रिएक्शन कराई जाती है उनकी। तो ओजोन से रिएक्शन करा के इनको मतलब इनको कीटोन बनाया जाता है। ओके, एस बी नो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का ओजोनोलिसिस कराएंगे ना तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है, फॉलोड बाई द रिएक्शन विद जिंक जिंक डस्ट एंड वाटर गिव एल्डिहाइड। ओके, तो इस रिएक्शन को ओजोनोलिसिस बोला जाता है। कीटोन्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन सम सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ एल्केन्स बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स। और एक प्रोसेस होती है हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन में क्या होता है, पानी मतलब जो एडिशन ऑफ वाटर टू इथेन, इथाइन को ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और या फिर HgSO4। ओके, दोनों को मिला के जो क्या करता है, जो एल्काइन होता है ना उसके एसिटाल्डिहाइड बना देता है। ओके, इथाइन को एसिटाल्डिहाइड, इथाइन तो पता होगा ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उसको डबल बॉन्ड तोड़ के इसके तो ये एसिटाल्डिहाइड बना देता है। ओके, ऑल अदर एल्काइन्स एंड गिव कीटोन्स दिस रिएक्शन। ओके, तो ऑल जो भी है सारे के सारे एल्काइन वो कीटोन्स बना देते हैं। ये बड़ा सा रिमार्क है। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यहाँ पर अब तक जितनी मतलब जितनी प्रोसेस थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये एल्डिहाइड के लिए है। ओके, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड, जो असाइल क्लोराइड होता है ना, अब इसको क्या किया जाता है, H2 और PdBaSO4 इसकी उपस्थिति में इससे रिएक्शन कराई जाती है। तो ये रोजनमुंड रिएक्शन बोली जाती है, रोजनमुंड। ओके, रोजनमुंड रिडक्शन नाम से। तो इसमें क्या होता है कि जो जो Cl है वो सबसे पहले यहाँ से हटता है, टूटता है। तो टूटेगा ना तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। ओके, डेफिशिएंसी आएगी और ये H2 तो है ही, तो H2 यहाँ पर एक अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। तो हाइड्रोजन देने के बाद ये HCl निकल जाएगा यहाँ से और ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। तो नाइट्राइल्स और ईस्टर से बनाते हैं नाइट्राइल। ओके, तो जैसे RCN, तो इसमें SnCl2 और HCl मिला के, तो इसमें सबसे पहले क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH। ये क्या है, ये है अमाइड। अमाइड नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली इसको, ये क्या है, NH ग्रुप होता है ना, एमीन ग्रुप जो आके जुड़ जाता है। उसके बाद इसकी फिर जो H3 सॉरी OH H3O होता है ना, ये आयन H3O आयन की रिएक्शन कराई जाती है इससे। तो जो NH ग्रुप है वो निकल के चला जाता है और RCHO बन जाता है। यहाँ से NH3 अलग हो जाएगा और RCHO बन जाएगा। इसको हम स्टीफंस रिएक्शन बोला जाता है। ओके, तो ये मतलब क्या था, ये था नाइट्राइल, इसकी रिएक्शन कराई जाती है SnCl2 से और HCl की उपस्थिति में। तो स्टीफंस रिएक्शन है ये। तो सबसे पहले इसमें RCH डबल बॉन्ड NH बनता है, फिर उसके बाद H3O आयन की मदद से इसको RCHO बनाया जाता है। ओके,
इसको आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सेपरेटली सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाई डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये एक रिएक्शन होती है DIBA BHL, इसकी उपस्थिति में क्या कराई जाती है। तो RCN को डायरेक्ट ये RCHO बना दिया जाता है। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसको आप याद कर लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल हाइड्राइड, इसको जो CN ग्रुप्स होते हैं, तो CN ग्रुप्स को ये रिमूव करके CHO बना देता है। तो ये इसकी रिएक्शन है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, तो जैसे इसमें CH ग्रुप है ना, तो इसको हटा के CH लगा देगा। डायरेक्ट क्या करता है, CN ग्रुप को CHO बना देता है। ओके, और अगर यहाँ पर OR लगा हुआ है, जैसे ईस्टर टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो उसको भी ये हटा देता है, उसको भी ये रिमूव करके डायरेक्ट H लगा देगा, यहाँ पर CHO बना देगा। ओके, ये दो काम है इसके। सबसे पहले क्या है, CN को हटा देता है, पूरा CN को हटा के CHO बना देता है, मतलब जो N को हटा के CHO बना देता है, CN को पूरा नहीं हटा, समझते हो। तो यहाँ पर NH3 भी निकल जाता है, और ये जो है ना OC2H6 OR लगा हुआ है, जो OR को पूरा रिमूव करके हाइड्रोजन लगा देता है। ओके, तो ये एल्डिहाइड है। अब तीसरी प्रोसेस है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का मतलब ऑक्सीडेशन कराएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजेनोइक एसिड। ओके, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद सूटेबल रिएजेंट दैट कन्वर्ट द मिथाइल ग्रुप टू एन इंटरमीडिएट दैट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज फर्दर। द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर दिस पर्पस। ओके, तो इसमें एक मतलब रिएजेंट यूज किया जाता है, इसका नाम है क्रोमेल क्लोराइड। यूज ऑफ क्रोमेल क्लोराइड, क्रोमेल क्लोराइड में क्या है ना, क्रोमेल क्लोराइड जो होता है, तो इसमें क्रोमेल क्लोराइड दिया गया CrO2Cl2। तो क्रोमेल क्लोराइड की ये जो ऑक्सीडाइज करता है मिथाइल ग्रुप को टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कुछ रिएक्शन ग्रिगनार्ड रीजन जैसी होती है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। ओके, जैसे कि ये टोलुइन है, इसका नाम टोलुइन बोला जाता है। टोलुइन की जो CrO2Cl2 की रिएक्शन कराई और CH2 के बेस पे, इसमें क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन निकाल के इसने क्या किया, जो हाइड्रोजन थे ना बाकी बचे हुए, उसको हटा के इसने OCrOHCl2 जो भी है ये ग्रुप लगा दिया, दो ग्रुप लगा दिए। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक टोलुइन था, टोलुइन की रिएक्शन जो फॉलोइंग रिएजेंट है इससे कराई, तो क्या हुआ कि जो टोलुइन यहाँ पर दिया गया है, टोलुइन ने क्या किया कि जो यहाँ पर CH3 है ना, CH3 था, तो CH3 में से दो हाइड्रोजन एटम निकाल के ये दो जगह, ये जो फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप में ऐसे लिख देता हूँ, दो फंक्शनल ग्रुप इस तरह ले लिए। अब इसकी रिएक्शन फिर H2O मतलब HCO आयन से कराएंगे ना, तो ये दोनों निकाल देगा, और मतलब जो है ना CH और जो O लगा हुआ था, एक O करके कुछ है ना, पूरा O करके, ये O करके, तो O ये यहाँ पे ये हटाएगा, ये पूरा हट जाएगा, और जो HCO आयन ये इसके साथ डबल बॉन्ड करके इसको बना लेगा, और ये पूरा हट जाएगा, ये भी पूरा हट जाएगा। ओके, तो फाइनल में ये कुछ इस तरह का एक हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगला प्रोसेस क्या है, तो इसकी रिएक्शन का नाम भी है, इसकी रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, द रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ओके, उसके बाद आता है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले मतलब क्रोमिक ऑक्साइड है ना, क्रोमिक ऑक्साइड ये होता है CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड यूज करेंगे, और ये एक अब रीजेंट है इसी का यूज करते हैं, तो इसको टोलुइन में इसके रिएक्शन कराएंगे, तो ये फिर से उसी जैसा बन जाएगा जो हमने यहाँ पर बनवाया था, उसी तरह का है, वही नहीं है, उसी तरह का, ये दो उसी साइड से बनेंगे। उसके बाद फिर से इसी की H3O पॉजिटिव की रिएक्शन करा के हीट देंगे थोड़ी सी, ये फिर से उसी तरह से टूटेगा। ओके,
टूटना सेम है, बस जुड़ना ये अलग अलग है, तो इसके रिएक्शंस के नाम अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी। अब है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोइंग फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं वैसे उनको एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी है। तो साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन गिव बेंजीन क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या है ना, टोलुइन है, टोलुइन की रिएक्शन क्या कराई हमने, क्लोरीन को मतलब प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश की मतलब सनलाइट में रख के इसकी रिएक्शन कराई, सनलाइट में रख के इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये बनेगा सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो इसने क्या किया, दो हाइड्रोजन थे उसको रिप्लेस किया क्लोरीन से। ओके ओके, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद वापस से H2O की रिएक्शन थोड़ी सी हीट में कराई, तो ये बेंजल डिहाइड बन गया, ये Cl2। मतलब देखो अब एक चीज तीनों में सेम है, क्या 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 है ये सेम चीज, यहाँ पर भी दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए थे, मतलब जो भी है दो एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी हुई थी, यहाँ पर भी दो एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी हुई थी, यहाँ पर भी दो एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी हुई है Cl2। और हर बार H2O के रिएक्शन कराते हैं, कभी सिंपल, कभी थोड़ा हीट में, कभी 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये आयंस हैं जो डायरेक्ट पानी है ये। ओके, तो ऐसे में ये टूट के हमेशा CHO बनाता है, मतलब इनसे मतलब नहीं है, दोनों टूट के निकल जाते हैं, ये जो पूरा बना हुआ है ना, दोनों के दोनों पूरा टूट के एकदम निकल जाएंगे। बस होगा क्या होगा कि ये कि जो H2O है वो आएगा अपना ऑक्सीजन देगा इसको और डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और H तो है ही इसके पास। ओके गाइस वेट फॉर अ सेकंड। ओके, तो अभी है नई रिएक्शन गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये गैटरमैन कोच एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये पूरा रिएजेंट है ना, ये पूरा का पूरा COHCl एनहाइड्राइड AlCl3 CuSCl, तो इसको एक मतलब गैटरमैन कोच रिएजेंट बोला जाता है। तो इसको पूरा पूरा एक साथ आता है ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन को डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड, CO की रिएक्शन होती है HCl के साथ, तो CO क्या करता है, HCl मिला तो आयन हो जाते हैं। यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने HCl ने के सबसे पहले HCl आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा, हाइड्रोजन निकाला, ये डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई तो ये कार्बन आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, और कार्बन आएगा तो ये कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पर कार्बन है ना, कार्बन है, और ये प्लस कार्बन होगा, ये माइनस कार्बन होगा। उसके बाद फिर से HCl की रिएक्शन होगी, तो HCl मतलब देखो जो एनहाइड्राइड AlCl3 है ना, CuCl है, ये क्या काम करता है, ये एनहाइड्राइड ClCl3 यहाँ से हाइड्रोजन चुरा के लेके जाता है, इसके पास ये हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए CO से रिएक्शन करेगा, CO क्या करेगा, अब CO के पास भी डेफिशिएंसी है, वो हाइड्रोजन HCl है ना उससे हाइड्रोजन ले ले। ओके, तो इसको गैटरमैन कोच रिएक्शन बोला जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, और कीटोन्स को कैसे बनाया जाता है, कीटोन्स को बनाने के लिए भी कुछ रिएक्शंस हैं, अब क्या रिएक्शंस हैं वो ये देखते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है इसकी फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड तो आपको पता ही होगा क्या होता है, और ये भी चीज आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो अब इसको पता कर लीजिए, क्योंकि तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब जब मैंने अपना जेई का जर्नी किया था, तो उस जर्नी में ये पूरा एक चैप्टर के रूप में सर ने बताया था हमको, ग्रिगनार्ड रीजन अकेला, इसमें इसी की रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं ग्रिगनार्ड की। तो ग्रिगनार्ड रीजेंट अगर आप, अब यहाँ पर यहाँ तो मैं इसको कंप्लीट नहीं करा सकता, बिकॉज मेरे मेरे भी बाउंडेशन है इस चैप्टर को पूरा कराने की। तो आप यूट्यूब पे अगर जाए ग्रिगनार्ड रीजेंट सर्च करें तो उसको अच्छे से कर लीजिए। ओके, तो ये ग्रिगनार्ड रीजेंट एक बनाया जाता है, ग्रिगनार्ड रीजन से ही रिएक्शन होती है। ये ग्रिगनार्ड रीजन क्या करता है ना, सबसे पहले क्लोरीन यहाँ से निकालेगा, ये क्लोरीन निकालेगा, क्लोरीन निकाल के जो आर है उसको यहाँ पे जोड़ देगा। ओके, सबसे पहले क्या हुआ मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, ये करेगा जो क्लोरीन हटा के यहाँ पर क्लोरीन हटा देगा एकदम से। ओके, तो क्लोरीन हटा मतलब ये देखो एक ही है, तो ये बन गया 2MgHCl। ओके, यहाँ से क्लोरीन हटाएगा और आर यहाँ से जोड़ देगा। ओके, ये बन गया 2ORCOR फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स जो होते हैं नाइट्राइल, तो इनसे भी जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है इसकी रिएक्शन होगी,
और ग्रिगनार्ड रीजन की रिएक्शन ईथर के मतलब मीडियम होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जो सी एन था ना, तो सी एन के साथ ही एम जी बी आर लग गया, और साइड में इसने जो यहाँ से एक डबल बॉन्ड हटा ना, तो उसके साथ इसने जो आर इस ये अपने साथ लेके आया था वो लगा दिया इसने। ऐसा ही सेम इसमें होता है। ओके, ये वापस से हटके जाएगा ना, तो हटके जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ के चले जाएगा। इस ऐसा यहाँ पे होता है, यहाँ पे एम जी बी आर पूरा यहाँ पे आके लग जाता है, फिर सी एल को यहाँ से निकाल के ले जाता है और वापस से ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ जाता है और साथ में आर भी छोड़ जाता है। और उसके बाद है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब एक आता बेंजीन के साथ क्या हुआ, इसको बोलते हैं फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है ना, अब इसका नाम भी कुछ होगा नहीं इसका नाम। तो इसका क्या करते हैं, ये रिजेंट होता है ए ए आर या आर सी एल, सॉरी सी डबल बॉन्ड सी एल, तो एनहाइड्राइड ए एल सी एल थ्री की रिव्यू मतलब बेस में किया जाता है। तो एनहाइड्राइड ए एल सी एल थ्री क्या करता है, एनहाइड्राइड ए एल सी एल थ्री क्या करेगा, ये जो ए एल सी एल थ्री है ना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशियंसी उत्पन्न करेगा और यहाँ पे आके इसको जोड़ देगा। ये जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ के चले जाएगा और बाद में हाइड्रोजन इसको दे के चले जाएगा। यहाँ पे जुड़ गया, उसके बाद ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गिव नेम ऑफ रिजेंट टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो हेक्सेन वन ऑल टू हेक्सेन नल बनाना है तो ये रिजेंट है। साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन बनाना है तो ये रिजेंट है। तो ये रिजेंट जो हमने अभी पढ़े हैं सारे के सारे वही है। ओके, तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन मतलब जो प्रोडक्ट होगा इन रिएक्शन का क्या होगा, ये भी यहाँ पे दिया गया है कि क्या होगा प्रोसेस। ओके, तो ये एनहाइड्राइड ए एल सी एल थ्री निकला है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एस टू की उपस्थिति में जो क्या होगा ना, ये जो सी एल निकलेगा और सी एल निकलने के बाद यहाँ पर ये सी यहाँ से जुड़ जाएगा और सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच मतलब सी टू एच फाइव यहाँ पर जुड़ जाएगा। ओके, जहाँ पर भी एनहाइड्राइड ए एल सी एल थ्री देखी जाए ना, तो वो समझे जाना कि जो फिनॉल यहाँ पर जो भी लगा हुआ है उसकी हाइड्रोजन मतलब डेफिशियंसी बढ़ा दे, डेफिशियंसी ला देगा उस। तो ये है आर टू सी डी, मतलब एकदम से क्या बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट की तरह ही कार करेगा, यहाँ पर सी एल हटा देगा और सी ओ आर निकाल देगा यहाँ पे। ओके, एच जी टू प्लस एच टू एस ओ फोर, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हटा देगा और कीटोन बना देगा इसे, और ये एनओ टू है तो एनओ टू हट जाएगा और यहाँ पर इसको ये एल्डिहाइड बना देता है। ओके, तो इसी के साथ आज के लेक्चर का हम यहीं बंद करते हैं। ओके, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेंगे, इसमें क्या है क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सबकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस आपस में क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, किस किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, या अभी सब चीजें आप आगे दी गई। ओके, प्रोडक्शन। ओके, तो इसकी एक लंबी जर्नी है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसी के साथ हमने अपना लेक्चर बंद करता हूँ। गुड बाय गाइस।